चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूँ वगैरह कुछ भी जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहाँ तक कहा गया है चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते हो, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से दो चार आखा दाना उठा ले, और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि चार अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो, तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे, तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर उसको प्राप्त किया। तो जिनकी यहां संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए बुधवार के दिन अगर शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो जिन लड़का जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं। हमारा वृद्धि से मतलब होता है जिस कन्या या वर का विवाह नहीं होता, 40 साल हो गए या 30 साल हो गए, या जब 28 के बाद में लड़का लड़की क्रॉस हो जाए कि 29 में 30 में 32 में 34 में 40 तक पहुंच गए और विवाह नहीं हो रहा, तब बेलपत्री के जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जो डाली होती है, उस डाली के मनकों से जो माला बनती है, बाजार में मिल जाती है बेल की माला, उस माला को भगवान शंकर को समर्पित कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ कर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र है? पंचाक्षर। पंचाक्षर मंत्र कल बताया था, नमः शिवाय। अगर रसोई घर से भोजन में तुलसी डलकर अगर ठाकुर जी के सामने वो थाली रखी तो ये पक्का है वो थाली ठाकुर जी नहीं जीमेंगे, क्योंकि उसमें तुलसी रखी हुई आई है। हाँ, जब ठाकुर जी के सामने थाली रखा गई और तुमने थाली रखने के बाद में मंदिर के सामने बैठ के फिर तुलसी डाली तो ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता एक जगह पर विराजमान हैं। जब हम थाली रखते हैं प्रथम देव उस भाग को ग्रहण कर ले, जब तक तुलसी डालते हैं प्रथम देव अपनी दृष्टि हटा लेते हैं। समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले, अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण, विनायक बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता। सुंदर जोड़ी थी शंकर और पार्वती की, सही है कि गलत है? कभी नहीं झगड़ते थे, इसलिए पृथ्वी पर ना तो लक्ष्मी जी के व्रत हैं, ना ब्रह्माणी के व्रत हैं, ना इंद्राणी के व्रत हैं। अगर पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा व्रत किसके हैं? माता पार्वती। तीज का व्रत किसका?
पार्वती का। चतुर्थी का व्रत किसका? पार्वती का। चौथ का व्रत किसका? पार्वती का। छठ का व्रत किसका? पार्वती का। जितने व्रत है सब माता पार्वती। गणेश जी मैया को प्रसन्न करने के लिए अष्ट रूप में धारण करते हैं। आठ रूप भगवान गणेश जी ने धारण किए। एक मयूरेश्वर गणेश, दूसरा सिद्धि विनायक, तीसरा बल्लालेश्वर, फिर वरद विनायक, फिर चिंतामणि, फिर गिरजात्मज, फिर भगवान गणेश विघ्नेश्वर अष्ट विनायक, फिर महागणपति। ऐसे गणेश जी के अष्ट नाम हुए। उस समय तिजोरी के अंदर जो गणेश की प्रतिमा रखी जाती है किस नाम से रखी जाती है? तो तिजोरी में हम जो गणेश की प्रतिमा रखते हैं वो वरद विनायक के नाम से रखते हैं। कौन सा गणेश? वरद। वरद विनायक के नाम से तिजोरी में गणेश रखते हैं। और वरद विनायक के नाम से गणेश जी तिजोरी में रखाते हैं। आपको कथा में कहा था घर में सीधी सुंड का गणेश और व्यापार व्यवसाय ऑफिस में उल्टी सुंड का गणेश होना चाहिए। वरद विनायक को तिजोरी में। जब मकान का गृह प्रवेश होता है तो गणेश जी की पूजन जो दरवाजे पर करी जाती है उसे सिद्धि विनायक गणेश कहते हैं। कौन सा गणेश? सिद्धि विनायक। जब हम घर में शुभ कार्य हो, बंदर वाल लगाएं, कोई दरवाजे पर शुभ लाभ लगाएं, या स्वस्तिक बनाएं, या माताएं दरवाजे पर रंगोली डाले तो उसी समय पर सिद्धि विनायक के नाम से रंगोली डालना चाहिए। तो घर में लक्ष्मी बढ़ती है, सिद्धता बढ़ती है। याद रखिए कभी भी गणेश जी को मिट्टी के गणेश जी लाते हो भादो महीने में तो विसर्जन करो, तो विसर्जन के समय पर दो बिंदी, एक कंकु की एक हल्दी की, दीवाल पर जरूर लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि गणेश जी हमारे यहां आते हैं तो रिद्धि सिद्धि के साथ आते हैं, पर जब गणेश जी जाते हैं अगर हम बिंदी नहीं लगाते हैं तो गणेश जी अपनी रिद्धि सिद्धि को साथ में लेकर चले जाते हैं, पति के साथ पत्नी वापिस चली जाती है। जब हम बिंदी लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमारे घर की बहू हमारे घर में रहे, बेटा भले भ्रमण के लिए जाए, तो गणेश जी जाते हैं रिद्धि सिद्धि घर में रह जाती है। इसलिए रिद्धि सिद्धि को घर में रखने के लिए दो बिंदी लगाना चाहिए, एक कुंकू की एक हल्दी। गणेश जी की प्रियता है दुर्वा। क्या प्रियता है? दुर्वा। कितनी दुर्वा गणेश जी को समर्पित करी जाती है? मात्र पांच। कितनी? आज के जमाने में लोग गट्ठा बनाकर चढ़ा दें वो अपनी जगह पर। पांच दुर्वा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए और भगवान के पांच जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए पंच दुर्वा। और दुर्वा में भी तीन गांठ। जब दुर्वा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुर्वा की डंडी पर गांठ रहती है, तीन छोटी छोटी गांठें होना चाहिए। चतुर्थी का जो व्रत करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती है, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती है, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती है वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में है हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहां तक कहा गया है चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, चतुर्थी की कथा में लिखा है चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए,
तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से दो चार आखा दाना उठा ले, और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पन्नू में उस चीज को रख दिया जाए, तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि चार अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो, तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज ने। और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती थी। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे, तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना करके उसको प्राप्त किया। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर बैठ कर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा जब आरती में जलाया जाता है तो ये कपूर क्यों जलाते हैं? इस कपूर का महत्व क्या है? इस कपूर का कारण क्या है? ये कपूर है कौन जिसको हम आरती में जलाते हैं? क्या जरूरत इस कपूर को आरती में जलाने की? क्या जरूरत इसको यज्ञशाला में जलाने की? क्या जरूरत है इस कपूर को पूजन में जलाने की? स्वयं गुरु बाबा कहते हैं यदि कोई आरती में, पूजन में, घर में एक कपूर का टुकड़ा आरती के बाद में जब समर्पित करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को पाने के लिए कपूर का टुकड़ा आज भी आरती में जलाया जाएगा। एक कपूर का टुकड़ा सुख का, इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है महाराज, जब आपको घर में अगर ऐसा लगने लगे कि 15 दिन से बहुत बेचैनी है, बहुत दुख तकलीफ लग रही है, कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, कुछ ना कुछ तकलीफ लग रही है, तो एक पीपल का पत्ता ले लो, उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा ले लो, सारे घर में घुमाकर उसको दरवाजे के बीच मध्य में जला कर रख दीजिए। थोड़ी सी जगह 20 से 25 मिनट के अंदर मकान में एनर्जी वापिस आ जाएगी, उस भवन में एनर्जी वापिस आ जाएगी। 20 से 25 मिनट के अंदर एनर्जी वापस लग रहा है कि यहाँ नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाया जा सकता है। रात को 12 बजे शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री को उठाकर शंकर मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर खा लीजिए, आपके पांव के घुटने बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑपरेशन की जरूरत नहीं। आप लोग को अगर पंडित प्रदीप मिश्रा जी का यह उपाय अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन घंटी दबाइएगा। ओम नमः शिवाय, नमस्ते भैया।